सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बाइसेप्स के चार बेस्ट वर्कआउट जो आपके बाइसेप्स को ग्रो करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सो दोस्तों, जो पहली एक्सरसाइज है वो है स्पाइडर कर्ल। स्पाइडर कर्ल मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा उसको कैसे परफॉर्म करना है। सो दोस्तों, आप स्पाइडर कर्ल को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो डंबल से कर सकते हैं या फिर आप बारबेल से कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको बारबेल से करके दिखाऊंगा कि इसको सही तरीके से कैसे करना है। सो दोस्तों, आपको लाइट वेट से स्टार्ट करना है और जस्ट आपको ये अप और स्लो स्लो डाउन, ये अप और ये डाउन। सो दोस्तों, सेकेंड जो वर्कआउट है वो होगा हमारा हैमर कर्ल। आपको हैमर कर्ल को बहुत अच्छे तरीके से करना है। ये बहुत ही अच्छी वर्कआउट है और अपने वर्कआउट में इसको ज़रूर शामिल करें। सो आपको इसको कैसे करना है सही तरीके से, जस्ट आपको अपने बॉडी को स्ट्रेट रखना है और एल्बो आपको बैक के पास रहेगा। जस्ट ये अप डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सो दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज होगी वो होगा आपका इंक्लाइन डंबल कर्ल होगा। आपको डंबल लेना है और आपको बेंच को इस एंगल पे सेट करना है और जस्ट स्लो स्लो अप एंड डाउन, अप डाउन, अप एंड डाउन, ठीक है। सो दोस्तों, चौथी जो वर्कआउट है वो हमारा पीछे कर्ल है। ये लास्ट एक्सरसाइज है। आप इसको डंबल से या फिर बारबेल से कर सकते हैं। इसमें आपको अपने वेट आपको लाइट लेना है जितना आपसे लिफ्ट हो सके और बैक सीधी रखनी है और स्लो स्लो ये डाउन एंड स्लो स्लो अप, डाउन एंड अप। सो दोस्तों, ये चार एक्सरसाइज थी जो बेस्ट वर्कआउट है आपके बाइसेप्स को ग्रो करने में। सो अपने वर्कआउट में इसको इंक्लूड करें और इसको अच्छे से परफॉर्म करें। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। सो दोस्तों, अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। ओके।